अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा दम बिरयानी। उसके लिए हमने ये एक कटोरी चावल लिया है, 200 से 250 ग्राम होंगे। 4 अंडे लिया है और एक प्याज मीडियम साइज की बारीक छोटी काट ली है और एक ही लच्छे में काट लिया है। एक टमाटर है मीडियम साइज और थोड़ी सी धनिया है। अब हम एक बर्तन में 2 अंडे रखेंगे उबालने के लिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे आसानी से छिलके उतर जाएंगे। अब हमने एक बर्तन में पानी लिया है चावल को उबालने के लिए। इसमें पानी में 1 चम्मच नमक डालेंगे और ये कुछ खड़े मसाले हैं, 2 तेज पत्ता है, 1 छोटी इलायची और ये 2 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी, जीरा और 6-7 दाने काली मिर्च हैं। इसको पानी में उबाल आ जाए तब हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया। ये चावल हमने आधा घंटा पहले ही धोकर भिगा दिया था और इसका हम पानी निकाल के इसमें डालेंगे। ये देखिए चावल अब थोड़ा सा इसमें अभी कच्चा है, अब इसको छान लेंगे। ये देखिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें हम ये लच्छे वाली प्याज डाल के इसको तलेंगे। ये देखिए प्याज लाल हो गई है, अब इसको निकाल लेंगे हम। और इसी तेल में अब ये जो हमने बारीक कटी हुई प्याज रखी इसको भूनेंगे। इसको बिल्कुल लाल नहीं करना है, हल्का गुलाबी है भूनना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है, बहुत लाल नहीं करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब देखिए लहसुन अदरक इसमें मिक्स हो गया ना, टमाटर डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। चावल में पड़ा है इसलिए हमने कम डाला है। 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च है, नमक मिर्च आप स्वाद अनुसार डालिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच। थोड़ा सा ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा घर का बना हुआ स्पेशल गरम मसाला है, आप उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसको हम टमाटर को गलने तक अच्छे से भूनेंगे। जब टमाटर मुलायम हो जाएगा तब हम आगे इसमें अंडा और भी चीज़ें डालेंगे। देखिए मसाला भून गया है, तेल अलग हो गया। ये अंडे हमने तोड़ के रखे हैं, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और भूनेंगे। जब अच्छे से भुजिया बन जाएगा तब इसका आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए अंडा भुजिया तैयार है। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल से हमने पानी निकाल के रखा था। देखिए हमने ऊपर से इसमें थोड़ी सी धनिया और प्याज डाली है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जो हमने चावल से निकाला था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब डाल देंगे क्योंकि चावल हमारा पूरी तरह पका नहीं। और इसको ढक के 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। ये इसके छेद में हमने एक लौंग लगा दी थी जिससे इसका भाप ना निकले, दम पर है। और ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले हैं। इसको हम गैस ऑफ करके 5 मिनट बाद सर्व करेंगे। लीजिए अंडा दम बिरयानी तैयार है, चटपटी सी। एक बार जरूर बनाइए, ट्राई करिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।